कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम बैक टू शाज़ा की दुनिया। आज बहुत ज़्यादा स्पेशल हम चीज़ बनाते हैं। जो जो मीठा खाना पसंद करते हैं तो ये रेसिपी को आप ज़रूर पसंद करेंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं गाजर के मालपुए। तो हमने इसको गाजर को इस तरह से कट कर रखा है और यहाँ पे हमने देख सकते हैं हमने चाशनी चढ़ाया है। इसमें हमने इलायची और पानी और इसमें हमने फूड कलर भी और शक्कर भी ऐड किया है। तो जब तक हमारा चाशनी बन रहा है मेरे फ्रेंड, तो हम सबसे पहले गाजर के मालपुए की प्रिपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने एक जार ले लिया और यहाँ पे हमने जो भी गाजर काट के रखा था इसे अच्छी तरीके से हमने वॉश कर रखा था। वॉश करने के बाद हम इसे एक मिक्सर जार में से अच्छी तरीके से हम बारीक पीस लेंगे। ये देखिए हम जितने सारे गाजर हम जो भी काटे थे अच्छी तरीके से वॉश करके है? ये देखिए फ्रेंड इस तरह से हमने इस तरह से काटा है। और इससे में आप ऐड कीजिएगा आप जो सूजी है, आप 2 चम्मच आप सूजी ऐड कर दीजिएगा इसके में। ये देखिए हमने 2 चम्मच सूजी ऐड कर दिया। इससे क्या होगा कि मालपुए बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत ज़्यादा फुले फुले बनेंगे। तो हम इसे पीस लेते हैं। तो हम जितना इसमें पानी ऐड कर देंगे इसे एक अच्छा सा हम पेस्ट बना लेते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, ऑयल ऐड करेंगे। देख सकते हैं फ्रेंड मैंने इसको बहुत अच्छी तरीके से हमने घोल दिया और हमने यहाँ पे रिफाइन ऑयल चढ़ाया है और इसमें मैंने 3-4 कप हमने तेल इसमें ऐड किया। यहाँ पे हमारी चाशनी बहुत अच्छे से रेडी हो चुकी है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, ये 2-3 इलायची है तो हम इसे हल्का सा तोड़ के इस तरह से, हाँ आप चाहे तो इसका अगर इलायची पाउडर है तो आप इलायची पाउडर भी ऐड कर सकते हैं इसमें, और आप चाहे तो इस तरह से ऐड कर दें तोड़ के। इसमें हल्का सा आप फूड कलर भी ऐड कर दें 1 चम्मच। इससे क्या होगा कि एकदम येलो येलो सा गाजर जैसा दिखेगा। ठीक है फ्रेंड, तो हमने यहाँ पे ऐड कर लिया और यहाँ पे आप क्या करें कि थोड़ा सा आप बेकिंग पाउडर मतलब चुटकी भर आप इसमें ऐड करें। तो ये देखिए इतनी सा आप ऐड करें और थोड़ा सा आप चीनी ऐड कर दें और इसे भी अच्छी तरीके से एक इसके हेल्प से अच्छी तरीके से इस तरह से मिला लें। देख सकते हैं फ्रेंड अगर आपको कलर अगर पसंद नहीं है तो आप इसमें ऐड नहीं करें। और अभी सीजन का गाजर है तो इसमें ऐसी थोड़ा मीठा है। ठीक है फ्रेंड, तो इसमें हल्का सा आप चीनी ऐड करें। ये देखिए कितना अच्छा कलर लग रहा है इसका मालपुए का। तो ये जब तक हीट हो रहा है तेल, हम जब तक हीट कर रहे हैं तब तक इसको हम थोड़े 5 मिनट के लिए रेस्ट करते हैं। फ्रेंड हमारा ऑयल बहुत ज़्यादा हीट हो चुका है, इस तरह से आप चेक कर लें। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमने मालपुए बना के रखे थे इस तरह से, हम इस तरह से इसमें मालपुए बना लेंगे। ठीक है फ्रेंड, ये देखिए हल्का सा हम इस तरह से, मालपुए जब भी आप बनाए तो जब तेल ज़्यादा हीट हो जाए तो आप फ्लेम एकदम लो कर दें। उससे क्या होगा कि ये अंदर तक गलेंगे और अंदर तक सॉफ्ट और बहुत अच्छे बनेंगे। बहुत यमी बनने वाली रेसिपी है और बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बनती है, बहुत टेस्टी बनती है। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करना फ्रेंड, और बहुत ज़्यादा ईजी है फ्रेंड, बहुत ज़्यादा ईजी है। तो हम आप इसको पलट के दिखाते हैं। देख सकते हैं फ्रेंड बहुत अच्छी तरीके से बन चुका है। तो हम इसे अच्छी तरीके से इसे पलट देंगे। आप देख सकते हैं दोनों तरफ ही अच्छी तरीके से बन चुका है फ्रेंड। ये देखें अब इसे हम, अगर आप चाहें तो आप इसको टिश्यू पेपर में निकाल लें, और अगर आप नहीं चाहें, अगर आपको जल्दी में है तो आप ऐसे करके आप चाशनी में भी इसमें ऐड कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से आप चाशनी में ऐड कर दें। इसी तरह से हम सारे जितने भी मालपुए का हमने मिक्सचर बना के रखा था फ्रेंड, हम इसे भी बना लेते हैं। हम देख सकते फ्रेंड हमारे मालपुए कितने अच्छी तरीके से बन चुके हैं। हमने 4 मालपुए रेडी कर लिए थे बना के। और इस तरह से आप चाशनी में मतलब 5 मिनट तक रखें, उसके बाद आप सर्व करके किसी को भी खिलाएंगे तो बहुत आपकी तारीफ होने वाली। आप ज़रूर एक बार ट्राई करना फ्रेंड। तो हमने यहाँ पे प्लेट निकाल दिया सर्व करने के लिए। यहाँ पे हमने मिल्क पाउडर में हमने थोड़ा सा पानी ऐड करके इस तरह से हमने बना लिया है।
अब इस हम एक ये ले लेंगे, उसके बाद हम एक एक मालपुए इसमें से निकाल लेंगे। ये देखिए इस तरह से देख सकते हैं फ्रेंड, हमने मालपुए अच्छी तरीके से हमने निकाल सर्व कर दिया। और इस तरह से हमने मिल्क पाउडर जो हमने बताया था वो हमने इसमें ऐड कर दिया है। अगर हमारा मालपुआ आपको पसंद आया होगा तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करें, और कमेंट में आप बताएं हमारा मालपुआ कैसा बना है। और देख सकते हैं बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बना है, ये देखिए इस तरह से आप, और बहुत ज़बरदस्त का बना है फ्रेंड। आप ज़रूर ट्राई करना एक बार हमारी रेसिपी को। बहुत सारा प्यार दे, अल्लाह हाफिज़।